राम राम सारे मंजूस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लस्सी कोफ्ते बनाना बताऊंगी। बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और बनाने में बहुत आसान है। आइए लस्सी कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। लहसुन के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम आलू लिया है। इसको अच्छे से बॉईल कर लिया और छील लिया। एक चम्मच मैंने अजवाइन ली है। आधा छोटा चम्मच मैंने नींबू का सत लिया है। एक चम्मच मैंने शक्कर ली है। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। नमक स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा आप कर सकते हो। और 200 ग्राम प्याज लिया है। 100 ग्राम मैंने लहसुन लिया छील करके। एक बड़ा चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है। 250 ग्राम बेसन लिया घोल के लिए। एक चम्मच जीरा लिया है। एक छोटा चम्मच राई ली है। एक छोटा चम्मच साबुत धनिया लिया है। एक चुटकी मैंने हींग ली है। कोफ्ता बनाने के लिए बेसन का घोल बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मैं भगोली में डाल रही हूँ बेसन को, और बेसन को मैंने छान करके लिया है। आधा छोटा चम्मच मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन से कोफ्ता टेस्टी बनता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है अजवाइन। मसाला में डालना है, नमक इसमें कम डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको अच्छे से घोल बना करके तैयार कर लेते हैं कोफ्ते के लिए। एकदम ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाना है और एकदम पतला नहीं बनाना है। नॉर्मल गोल बना करके तैयार कर लेते हैं। तो गोल बन करके तैयार हो गया है, तो इसको साइड में रख देते हैं। मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने नॉर्मल तेल लिया है एक चम्मच। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो मैं हींग और जीरा और राई और साबुत धनिया सारा मसाला डाल रही हूँ एक साथ। मसाला अच्छे से पक गया है। ये मैंने 500 ग्राम आलू लिया बॉईल करके और हाथ से अच्छे से पेस्ट करके लिया है। इसको डाल देते हैं। आलू को मसाले में अच्छे से मिला देते हैं। ये मैंने 200 ग्राम प्याज लिया, इसको बारीक काट करके लिया। इसको भी अच्छे से मिला देते हैं। प्याज को भी बारीक काटना, प्याज तो श्रेष्ठ लगते हैं कोफ्ते में। एक बड़ा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है। एक चम्मच मैंने शक्कर ली है। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। आधा छोटा चम्मच मैंने नींबू का सत लिया है। नमक स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा आप कर सकते हो। लहसुन को मैंने कूट करके लिया है। आपको कूटा हुआ पसंद नहीं है तो आप मिक्सिंग पेस्ट बना करके डाल सकते हो। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया मैंने। मसालों को एक दो मिनट के लिए पका लेते हैं। तो मसाला अच्छे से पक के तैयार हो गया है। ठंडा होने के लिए मैं छोटा बर्तन में निकाल रही हूँ। इसको साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है और इसकी छोटी छोटी बॉल बना करके तैयार कर लेते हैं कोफ्ते के लिए। छोटे बड़े आपके पसंद के हिसाब से बना सकते हो। सर्दी में कोफ्ता, मिर्ची बड़ा, कचौरी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप कोफ्ता बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो सारी बॉल एक तरीके से बना करके मैंने तैयार कर ली है। तो मैं एक चुटकी मीठा सोडा डाल रही हूँ। पहले नहीं डालना है इसको, कोफ्ता बनाते समय डालना है। मीठा सोडा को मैंने अच्छे से मिला दिया है। तेल मैंने पहले से गर्म कर लिया, तो एक एक करके डाल रही हूँ मैं। डालते समय ध्यान रखें हाथ ना जले, थोड़ा ऊपर से रखें हाथ और आराम से डाल लें। लहसुन के कोफ्ते बनाने बहुत ही आसान है। ये छोटे बड़े सब पसंद करते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। एक दो मिनट हो गए हैं, इसको अच्छे से पलट देते हैं। तो कोफ्ते बन करके तैयार हो गए हैं। मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। तो गर्मा गर्म प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा बना है। दिखने में इतना सुंदर है तो खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। तो मैंने प्लेट ले ली है और प्लेट में डाल देते हैं। सर्दी में फ़ायदा उठाइए, आप भी गर्मा गर्म कोफ्ता बनाइए और खाइए। सभी को जरूर पसंद आएगा। ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना। ऐसी और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। मेरे को रेसिपी बनाने के लिए और इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करना। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।